असलम डी एल अर्नर्स एंड पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम बात करेंगे कम्पैटिव एडवांटेज की ख़ासतौर पे न्यू वेंचर्स के लिए लेकिन ग्रोइंग वेंचर्स ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए भी कम्पैटिव एडवांटेज की जो डिबेट है जो डिस्कशन है वो बहुत अहम है और यही हमारे वीडियो का एजेंडा है कि हम किस तरह कम्पैटिव एडवांटेज को चाहे वो न्यू वेंचर हो फोकस न्यू वेंचर पर है लेकिन खासतौर पे ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए एक सस्टेनेबल कंपेटिव एडवांटेज क्या होता है और किस तरह से उनको आ, उसको इंश्योर किया जा सकता है सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपेरिटिव एडवांटेज की डेफिनेशन क्या होती है कंपेटिव एडवांटेज इज डिफाइंड एज अ यूनिक एडवांटेज ओवर द कंपेरिटर्स एंड गेन्ड बाई ऑफरिंग कस्टमर्स ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो आपको इस डेफिनेशन के मेन फीचर्स नजर आ जाएंगे सबसे पहली बात तो ये होती है कि कंपेट एडवांटेज क्या है आपका यूनिक एडवांटेज आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन नंबर टू ये यूनिक किस से होना चाहिए आपके कंपेटिटर्स से यूनिक होना चाहिए किस तरह से यूनिक होगा जब कंपेटिटर्स के मुकाबले में आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस में एक ग्रेटर वैल्यू ऑफर कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को ये ग्रेटर वैल्यू किस टर्म्स में किन टर्म्स में देखी जा सकती है या वो कॉस्ट में देखी जा सकती है या वो डिफ्रेंसिएशन में देखी जा सकती है और इसी को कहते हैं कंपेरिटिव एडवांटेज यानी बाय ऑल मीन इफ यू लुक एट योर स्क्रीन तो आपको यह अंदाजा होगा कि हमने क्या ऑफर करना है फॉर अ कंपेरिटिव एडवांटेज एक सुपीरियर कॉस्ट या प्रोडक्शन एफिशंसी अचीव करनी है एक सुपीरियर गुड और सर्विस क्वालिटी अचीव करनी है एक सुपीरियर इनोवेशन या अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन फैसिलिटीज या फिर एक सुपीरियर कस्टमर इंगेजमेंट और अगेन सुपीरियर टू योर कंपेटिटर्स। दैट्स कॉल्ड द कंपेटिटिव एडवांटेज और एक कंपेटिटिव एडवांटेज ही होता है जिसकी वजह से आप अपना मार्केट शेयर विन करते हैं आपको नजर आ रहा होगा एक कम्पैटिव एडवांटेज मॉडल और उस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास रिसोर्स होते हैं चाहे वो टेंजबल हों चाहे वो इनटेंजबल रिसोर्स हों और दूसरी तरफ आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज होंगी यानी आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी आपकी कैपेबिलिटीज होंगी आपने इन रिसोर्सिस को डिस्ट्रीब्यूट uh, करना होता है कॉन्फिगर करना होता है अकॉर्डिंग टू योर कोर कॉम्पिटेंसीज ताकि आप अटेन कर सकें एक कम्पैटिव एडवांटेज और कंपेटिव एडवांटेज को अगर आप देखें तो हमने कहा था आपके पास दो मेजर कैटेगरीज होती हैं या तो कॉस्ट एफिशिएंसी आपके पास आपका कोर कॉम्पिटेंस आपका कंपेटिव एडवांटेज हो सकती है या आपकी डिफरेंशिएशन आपका कंपेटिव एडवांटेज हो सकती है कंपेटिटिव एडवांटेज ने डे एंड के ऊपर डिलीवर करनी होती है एक वैल्यू सुपीरियर वैल्यू टू इट्स कस्टमर और यही वैल्यू क्रिएशन जो है बेसिकली Uh, एक आपका मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जितनी बेहतर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर लार्जर मार्केट शेयर आप जितनी वैल्यू जनरेट करते हैं वही आप बताता है कि आपका जो कम्पेटिव एडवांटेज है वो कितना आपकी बिजनेस के लिए यूजफुल है तो इट्स अ कंप्लीट मॉडल आप इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर तो आप इंटरनेशनल मार्केट uh, में डील करते हैं या आपने अपना बिजनेस ग्रो करते हुए अपने बिजनेस को uh, इतना ग्रो कर लिया है कि आप लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं चलिए आप इंटरनेशनल मार्केट में ही डील कर रहे हैं तो आपके पास अगर ग्लोबल कंपेटिव एडवांटेज की हम बात करें वो किस तरह से आता है तो ग्लोबल एडवांटेज कंपेटिव एडवांटेज कंपनीज इस तरह से अचीव करती हैं कि नंबर वन सबसे पहले तो वो जो जिस भी मुल्क में जाती हैं वहाँ के लोकल मार्केट को अडेप्ट करती हैं यानी ये नहीं है कि अपनी प्रोडक्ट और सर्विस जाके वहाँ पे लॉन्च कर दी उसको उस लोकल कल्चर और लोकल बिजनेस और लोकल इन्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है कोशिश की जाती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सके यानी मैस प्रोडक्शन हो ताकि जब आप दूसरे मुल्क में जाके बेचें तो आप कॉस्ट एफिशेंट हों लाइक वाइज आप टारगेट कर रहे होते हैं एक कॉमन ग्लोबल कल्चर को मिसाल के तौर तो पर जिस तरह से जो नया सेगमेंट है जो नई जनरेशन है जो सोशल मीडिया जनरेशन है उनके लिबास काफी हद तक कॉमन होना शुरू हो गए हैं तो आप उस कॉमन कल्चर को कोशिश करते हैं एक्सप्लॉयट करने की आप इसी तरह अगर ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो आपका कंपेट एडवांटेज क्या होता है आपने बहुत सी लार्ज फर्म्स देखी होंगी कि वो लार्ज फर्म बेस कहीं और जगह पे कर रही होती हैं लेकिन अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट किसी डेवलपिंग कंट्रीज में लगाए होते हैं सो so, आप टैप करते हैं अपनी ऑप्टिमल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए डिफरेंट लोकेशन या जोग्राफिकल uh, जिसे कहते हैं बाउंड्रीज या जहाँ पर आपको लेबर सस्ती मिल जाती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नॉलेज ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी ये सारी चीज़ें आप अचीव करते हैं ख़ास तौर पर अगर आप एक ग्लोबल बिजनेस में हो सो so अगर आप ग्लोबल बिजनेस में डील कर रहे हैं तो आपके कंपेटिव एडवांटेज इन एरियाज में से आ सकते हैं कंपेरिटिव पोजिशन आप ले आ सकते हैं यानी अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपकी कंपेरटिव पोजिशन है क्या तो आपके पास चार ऑप्शन हो सकती हैं नंबर वन या तो आप बनेंगे मार्केट लीडर या आप बनेंगे मार्केट चैलेंजर या आप बनेंगे मार्केट फॉलोअर या आप जाएंगे निच मार्केट में अंदर अच्छा मार्केट लीडर क्या होता है मार्केट लीडर ये होता है कि आप बनना चाहते हैं मार्केट लीडर आपका कंपटीशन आपने आइडेंटिफाई किया होता है कि तो आपने किया होता है कि आपका कंपेटिटर आपका मार्केट लीडर है और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कोशिश करते हैं टू ग्रैब अ लार्जर पोर्शन ऑफ मार्केट शेयर आपका कंपटीशन भी जिसे कहते हैं वो मार्केट के लीडर्स के साथ होता है और आप खुद भी अपने आप को पोजिशन कर रहे होते हैं एज अ मार्केट लीडर फिर हम कहते हैं मार्केट चैलेंजर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आ, खास तौर पे इनोवेटिव कंपनीज ऐसी होती हैं जो मार्केट को किसी ना किसी तरीके से चैलेंज करती रहती हैं यानी उनका आर डी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कभी वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आके कभी वो कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करके कभी वो नई नॉलेज लेकर आके कभी वो बार बार नई से नई प्रोडक्ट लॉन्च करके वो किसी ना किसी तरह अपने कंपेटिटर्स को चैलेंज करते रहते हैं सो यू वॉन्ट टू बी अ चैलेंज अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर फिर आती है मार्केट फॉलोअर्स कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती हैं सो so आपका जो कॉम्पिटिशन होता है वो इतना इंटेंसीफाई नहीं होता आप जो मार्केट ट्रेंड्स जो आपकी कंपेटिस कर रहे होते हैं आप भी वही काम करना शुरू कर देते हैं और एक आती है नेच मार्केट ये वो मार्केट है जो बहुत हाईली कस्टमाइज और साइज़ में बहुत छोटी होती है अगर आप इस मार्केट में जाकर अपने आप को पोजिशन करना चाहते हैं सो so अगेन आपने क्या कंपेटिटिव पोजिशन लेनी है आप लीडर बनना चाहते हैं चैलेंजर बनना चाहते हैं फॉलोअर बनना चाहते हैं या फिर आप बनना चाहते हैं किसी छोटे मार्केट के अंदर अप, अपनी सेगमेंट को ट्रीट करना चाहते हैं इट्स अप टू यू अब हम बात करते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज की आप जिसको अपना कंपेटिव एडवांटेज कहने लगे हैं उसके अंदर कुछ सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके बाद हम कहते हैं कि ये एक सस्टेनेबल कंपैटिव एडवांटेज है जिसमें सबसे पहली चीज़ है वैल्यूएबल यानी आप जिसको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी कह रहे हैं आप जिस आप जिसको टैग कर रहे हैं कि ये मेरी सुपीरियर वैल्यू है तो फिर इसको वैल्यूएबल होना भी चाहिए मिसाल के तौर तो पर अगर आप कहते हैं कि मेरा ब्रांड ही मेरी मेरा कंपेटिव एडवांटेज है तो फिर ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर लाइक वाइज इट हैज टू बी रेयर और इट हैज टू बी इनमिटेबल यानी इतना नायाब हो और कंपेटिटर्स बहुत आसानी से उसको कॉपी ना कर सकें मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे मेरे प्रोडक्ट का डिज़ाइन बहुत यूनिक है और पता ये चला है कि छः महीने के बाद कंपेटिटर्स ने आपकी प्रोडक्ट की डिज़ाइन कॉपी मार्केट में लॉन्च कर दिया है यहाँ आप कहते हैं कि मेरे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मुझे कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव हुई है और इस नई टेक्नोलॉजी को प्लांट करने के लिए आपने ढेरों ढेर पैसे लगाए और पता यह चला कि छः महीने के बाद आपके कंपेटिटर्स भी उसी कॉस्ट एफिशिएंसी को अचीव करके उसी प्राइस पर आ गए हैं जिस प्राइस पर आप प्रोडक्ट और सर्विस अपनी लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके हाथ से आपका कंपेटिटिव एडवांटेज चला गया है सो so, इतनी आसानी से उसकी कॉपी इतनी आसानी से वो री एंजीनियर्ड ना हो जाए बायो कम्पेटिटिज फिर हम बात करते हैं नॉन सब्सिट्यूटेबल आपकी प्रोडक्ट की बहुत सी सब्सिट्यूट भी हो सकती हैं अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी भी पी सकते हैं आप कोई कोला ड्रिंक भी ले सकते हैं आप जूस भी ले सकते हैं सभी आपके प्यास बुझाएंगे लेकिन सभी प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं और एक दूसरे की सब्सिटीट्यूट हैं अगर आपका जो प्रोडक्ट है वही आपका कंपेरिटिव एडवांटेज है तो आपके प्रोडक्ट का अगर सब्सिट्यूट बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है तो लोग बहुत जल्दी स्विच कर जाएंगे और आखिर में सस्टेनेबल आप जिसको भी कंपेरिटिव एडवांटेज लिखते करने लगे हैं उसको सस्टेनेबल होना चाहिए बाय ऑल मीन्स चाहे आप अपना आइडिया लेकर आ रहे हैं तो भी आपके आइडिया को यूनिक और सस्टेनेबल होना चाहिए अगर वेंचर चला रहे हैं तो भी आपका कंपेटिव एडवांटेज आपको क्लियरली पता होना चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो भी आपको आपका कंपेटिव एडवांटेज आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए एंड अगेन आप बनना क्या चाहते हैं क्या आप कॉस्ट मार्केट लीडर बनना चाहते हैं या चैलेंजर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं किसी खास एक मार्केट सेगमेंट में जाना चाहते हैं इट्स अप टू यू बट अगेन आपका कंपेरिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल होना चाहिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो